खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुंगी, मैं हूँ ललितपुर के मुख्यालय बाहुबली स्थित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर जी में। यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से उनकी परम शिष्य आदर्शमती माता जी के सानिध्य में सिद्ध चक महामंडल विधान सिद्धों की आराधना का आयोजन बड़ी धूमधाम से प्रबंधक द्वय के निर्देशन में हो रहा है। इसके प्रतिष्ठाचार्य पंडित प्रदीप जी शास्त्री हैं। इस आयोजन का शुभारंभ घट यात्रा कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें आर्का श्री माता जी का सत्संग मिला और उनका आशीर्वाद मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ, जिसमें निर्मल कुमार जी खरिया परिवार को सौभाग्य मिला तो वहीं सौधर्मेंद्र संजीव सौर्या को प्राप्त हुआ। इस तरह से इस आयोजन में प्रमुख पात्रों में सौधर्मेंद्र ईशान, माहिन सानित कुमार, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली ब्रह्म, अनेक प्रकार के इंद्र नाणी इस आयोजन में अपनी गरमामयी उपस्थिति दे रहे हैं। आयोजन के प्रातःकालीन भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा अर्चना अभिषेक और शांति धारा का आयोजन प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप जैन शास्त्री के मंत्रोच्चरण के साथ होता है, तो वहीं आर्का श्री का मंत्रोच्चरण से शांति धारा होती है। इस आयोजन की गरमा और गौरव बनाने के लिए सकल जैन समाज दिगंबर जैन पंचायत का तत्वाधान और सकल जैन समाज का अनवरत मिलने वाला सहयोग बड़ी ही धर्म प्रभावना को बढ़ावा दे रहा है। प्रतिदिन सायंकालीन महामंत्र भक्तंबर जी के 48 कावों से दीपों का प्रज्वलन होता है और उसके बाद मंगल आरती होती है, जिसमें हमारे नर नारी युवा और सभी लोग इसमें भक्ति भाव से भगवान जिनेन्द्र देव की आरती करते हैं। पाठशाला की बहनों का योगदान, आदिनाथ सेवा संघ का योगदान और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान इस आयोजन को प्रगति के धर्म प्रभावना के पथ पर ले जाने में बना हुआ है। आज बाहुबली नगर में सिद्धों की आराधना सिद्ध मंडल विधान का जो आयोजन हुआ, उसमें अर्घावली के माध्यम से अर्घ चढ़ाए गए और श्रद्धालुओं ने बड़ी भक्ति भाव से अर्घ चढ़ाए और भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा अर्चना की। सायंकालीन भक्तांबर जी पाठ के अंतर्गत दीप प्रज्वलन हुए और उसके उपरांत इंद्र सभा का आयोजन हुआ। आयोजन किस प्रकार का हुआ, क्या है इंद्र सभा और इस सिद्ध चक महामंडल विधान में इंद्र सभा का क्या मायने होता है, क्या मतलब होता है, हम बात करते हैं बाहुबली कुमार जैन एंड पार्टी ललितपुर के मैन निर्देशक बाहुबली कुमार जैन से। जैसा कि अभी आपने सिद्धों की आराधना में जो इंद्र सभा होती है उसका क्या मायने होता है, क्या उसका मायने मतलब है? यहाँ पृथ्वी से कई गुना ऊपर स्वर्ग लोक में जो सौधर्म इंद्र, इस विधान में जो सौधर्म इंद्र बने होते हैं उनकी सभा लगती है और सभा में सभी इंद्र और इंद्राणी उनके मन में वर्षों से जो जिज्ञासा उठ रही होती है वह सौधर्म इंद्र के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखते हैं। सौधर्म इंद्र उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं और कई ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो वर्षों से इंद्र लोग सोचते हैं, हम मनुष्य लोग भी सोचते हैं, पर उसकी जिज्ञासा का समाधान इंद्र सभा में होता है। इससे सौधर्म इंद्र ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, धनपति, कुबेर आदि इंद्र उस इंद्र सभा में आते हैं, मंगल गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और उस सभा का शोभायमान मंगलाचरण जो आपने शुरुआत में देखा था श्रीमान जिनेन्द्र के इस विधान का, देखो उत्सव सारा। इस सभी सभासदों ने उस जो बाहुबली नगर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है, ये सभी इंद्रगण उस सिद्धों की आराधना में मग्न हो जाते हैं, इसलिए वह इंद्र सभा लगाई जाती है। और जब भी इंद्र सभा लगती है वर्षों से उठ रहे प्रश्न वो अपने अपने करते हैं और सौधर्म इंद्र उनके उत्तर देते हैं। हमारे साथ इस आयोजन के मुख्य पात्र सौधर्म इंद्र जो पात्र का निर्वहन कर रहे हैं संजीव कुमार सौर्या, हम उनसे जानना चाहते हैं कि सौधर्म इंद्र का मुख्य पात्र का निर्वहन करते समय आप क्या महसूस करते हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो सौधर्म इंद्र में सभी लोगों ने हमसे प्रश्नों का उत्तर पूछा है, उसका हमने उत्तर सही ढंग से दिया है और जितने भी जिज्ञासाएँ आई हैं उनका सभी का हमने समाधान किया है और हम को बहुत ही आनंद आ रहा है। इसी के साथ कहते हैं कि स्वर और सार, स्वर और ताल का जो तालमेल होता है वह संगीत के द्वारा होता है। हमारे इस आयोजन के संगीतकार प्रदीप जैन एंड प्रदीप पार्टी,
संगीत के माध्यम से। अभी बाहुली नगर में सिद्धों की आराधना चल रही है। सिद्धों की आराधना में हमारे पंडित जी साहब प्रदीप जी शास्त्री के सानिध्य में हम सभी संगीतकार प्रदीप जैन एंड पार्टी के सानिध्य में एक कार्यक्रम चल रहा है और सभी भक्त भक्ति के साथ झूम रहे हैं और ये आराधना ऐसे ही चलती रहे। भगवान से प्रार्थना है कि सभी भक्त ऐसे ही झूमते रहें। जय जिनेन्द्र। सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र मंडल विधान अष्टान का महापर्व में बाहुबली इस नगर स्थित जैन मंदिर में धूमधाम से आयोजित हो रहा है। 24 जुलाई तक इस आयोजन को बड़ी धूमधाम से गरमा के साथ मनाया जाएगा। इस आयोजन की बेहतर और बेहतरीन जो चित्र में झलकियां हैं मैं ललितपुर लाइव टीवी ने आप सभी के लिए सुंदरता के साथ कवरेज किया है। आप चित्र में झलकियों के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्धों की आराधना का आनंद लीजिए और इस आनंद यात्रा में सम्मिलित होकर अपने आप को पुनर्जन करते हुए आत्मसात कीजिए और सिद्धों की आराधना करते करते आप इस मानव जीवन को सार्थक बनाने में पहल कीजिए। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। मनुष्य को क्या करना चाहिए? इनका प्रश्न है स्वामी, प्रातः काल उठकर मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब इनके प्राणनाथ इनको उत्तर दे रहे हैं। से सामाजिक कार्य हुए आत्मचिंतन करना चाहिए। समझ गई ना देवी? अरे रंगा सुन लो, आपके मतलब का है कितनी भी तपस्या कर लो पर संसार में क्यों भटकते हैं? और देव क्या कह रहे हैं? देवी समझिए आप, जो लोग आत्मज्ञान के बगैर अर्थात आत्मा के ज्ञान को जाने बगैर तपस्या करते हैं उनका संसार कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए आत्मा के ज्ञान को भली भांति समझ करके फल पद पर अग्रसर होना चाहिए। समझ में आया देवी? वाह वाह वाह, समझ में आ गया देवी। और इसलिए फल पद पर आत्मा का कल्याण करते हुए आगे बढ़े। अगले इंद्र आ रहे हैं झूमते हुए। अरे पावन की घड़िया मर्यादा के अंतर्गत भोजन करते हैं, इसी तरह मानव समाज को भी अपनी मानक और अपनी मर्यादा में भोजन करना चाहिए। यानी मानव कोई भी हो वो तात्विक भोजन नहीं करता है, ऐसा आगम ने भी बताया है और व्याकरणों का भी तथ्य है, क्योंकि रात्रि भोजन से जहाँ पाप का
बंद होता है तो वही व्याकरण तरीके से कोरोना महामारी प्रारंभ हो जाती है। देवी जी हमको रात्रि भोजन नहीं करना। क्या बात है बालवन भैया जी? भैया देवी के मन में इतनी शंकाएं हैं कि वह तय नहीं कर पा रही है कि कौन सी शंका का समाधान किया जाए और कौन सी शंका का नहीं। अभी सौधर्मेंद्र भी बाकी है। हाँ सौधर्मेंद्र बाकी है ना। ये देव है मैं पृथ्वी लोक के सभी श्रद्धालुओं को भक्तजनों को यही कहना चाहता हूँ कि वह सौभाग्यशाली है, वह सौभाग्यशाली है जो आचार्य विद्या सागर के आशीर्वाद से आदर्श मोती माता जी का शासन पाकर इस धर्म सभा में प्रतिदिन प्रातः काल से रात्रि कालीन तक धार्मिक क्रियाओं में अपने योगदान दे रहे हैं और पुण्य का संचय करके अपने जीवन को सफल बनाने का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। आप बड़े धन हैं और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस धन मानव जीवन को इतना धन ना कर दो कि प्रभु की जगह आप ही विराजो। जय जय खिलौना किसने का? मैं तो बता रहा हूँ। जय जगेंद्र चंद्रमुखी। कहो चंद्रमुखी क्या जिज्ञासा है? आपका जो भी प्रश्न होगा उसका समाधान किया जाएगा। केवल शुद्ध और साफ शब्दों का प्रयोग करें बोले। अभी सुनाई नहीं दिया देवी। कृष्ण आपने बहुत अच्छा पूछा है। विषय दशाओं से अनुचित विचार रहित आत्मानुभूति करने वाला मानव अपने उन्नति कर सकता है। और कोई विचार आपके मन में हो चंद्रमुखी तो बताइए। माइक ऐसा लगा लेना बोलिए कृष्ण कीजिए। बाहुबली नगर में कब होगा? जोर से बोलो। इससे बड़े रूप में चित्रजक महामंडल विधान या पंच कल्याण बाहुबली नगर में कब होगा? बहुत अच्छा देवी बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इससे बड़ा चित्रजक महामंडल विधान या पंच कल्याण इस बाहुबली नगर में कब होगा? आपकी अगर भावना है और इस बाहुबली नगर में अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, अगर आपकी भावना है तो इससे अच्छा कार्यक्रम, इससे अच्छा सिद्धि चक्र महामंडल विधान और पंच कल्याण हमारे प्रदीप शास्त्री जी के सानिध्य में अवश्य होगा। देवी अवश्य होगा। जय हो जय हो जय हो। आचार्य सुधा शारा महाराज जी के आशीर्वाद से और आदर्श मती माता जी के आशीर्वाद से जरूर होगा देवी। और कोई प्रश्न पूछना है महाराज? लेकिन देवी का प्रश्न यह है कि कब होगा? कब होगा? हाँ आप अपना पुण्य गाढ़ा करिए। होगा? कितना अच्छा उत्तर दिया। जब तक देवी आपका पुण्य भारी नहीं होगा तब तक ऐसा विशाल कार्य नहीं हो सकता। आप सभी बाहुबली नगर वासियों का पुण्य जिस दिन भारी हो जाएगा उस दिन यहाँ त्रिलोकी नाथ के पंच कल्याण शुरू हो जाएंगे। और जहाँ हमारे ऐसे युवा प्रतिष्ठाचार्य है बाहुबली जी, जी। हम आपको बताएं इस बाहुबली नगर में बहुत अस्तर है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग बाहर से आते हैं तो वो कहते हैं कि हम एक मकान एक प्लाट बना प्लाट में एक कमरा बना लें, पर एक कमरा एक किचन बना लें,
पर वो काम लगाते हैं भ्रमण में नहीं होता है। बिल्कुल क्या बात है, ऐसा अक्षय हमारे त्रिलोकी नाथ का है और ये इंद्र अपने स्थान की ओर जा रहे हैं, अगले इंद्र आ रहे हैं, बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं प्रदीप भैया, हर चलो चलिए हाँ चलो चलिए, 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 बाहुली पर बैठे हो तो जमींदार हो, है ना, गद्दी पे बैठे हैं वो गद्दीधार होते, ये स्वर्ग में होते हैं तो क्या होते, कौन कह रहा स्वर्ग का वासी, स्वर्ग में वास करने वाले स्वर्ग की देवता है, इनका पता नहीं चलता कब गायब हो जाए। इन इंद्र का लगता है कि इंद्र ने अपनी इंद्राणी को सिखाया है। अच्छा, तो इंद्र बोल रहे बहुत बढ़िया, इंद्राणी नाची जा रही है। अच्छा, अरे तो इंद्र ने सिखाया तो अच्छा ही सिखाया होगा, हमारे इंद्र महाराज कम ही क्या, देखो कितनी अच्छी भक्ति करते हैं। देखे इंद्र महाराज जो सिखाया है वो आप भी तो करो। हाँ अरे चलकर हम दूर दूर से नगरी में आए रे, चलकर हम दूर दूर से नगरी में आए रे, देखो रे इंद्र बाबू ऐसे नचाए रे, देखो रे इंद्र बाबू ऐसे नचाए रे, पंचों में भरनाए मेरी जय आगे की सरकारी तेरी तेरी सरकार आगे की सरकारी तेरी बहुत बढ़िया भक्ति करते हैं हमारे इंद्र महाराज, जरा जोरदार है ना, देखो दोनों हाथ उठा के आपके दूर देशांतरों में आएगी ये फोटो, उठाओ दोनों हाथ आगे से लेकर पीछे तक, क्या बात है, जय हो। अरे माइक दो इंद्र देव को, जय जय देव जय। स्वामी मेरे अंदर एक जिज्ञासा हो रही है जिसका मैं समाधान चाहती हूँ। प्राणपति प्राण प्रिय है महाराज, प्राणपति तो आप हो, प्राण प्रिय कहीं मैं ऐसा नहीं होता, कभी कभी अचानक में जल्दी में कह जाते हैं ए मेरे प्राणों की प्यासी बोलो, तो ऐसा नहीं है, और क्या कहते हैं जो पापों से बचाती हैं। क्या बात है, धर्म कथा है, बड़े जल्दी प्रश्न पूछा और जल्दी उत्तर दे दिया, मैं आपके समाधान से धन्य। क्या बात है, धन्य तो आप हो गई थी और भी जल्दी धन्य भी हो गई। अच्छा, ये इंद्र जा रहे हैं और जैसे ही बड़े ही हर्ष के साथ अपनी इंद्राणी के साथ जा रहे हैं, मनमोहन शिखर पाए हरि मस्तक झुकाए हर प्रभु जी की बाट निहारे देवी।
जो स्त्रियां मधुर वचन बोलती हैं वो अपना संसार में अपना अस्तित्व अपना सुमित बढ़ाती हैं। और कोई प्रश्न है? नहीं। और प्रश्न में सारी शंकाओं का समाधान हो गया, ये अपने स्थान को जा रहे हैं। परंतु हमारे स्वर्गाधिपति सौधर्म इंद्र अभी तक नहीं आए। एक आवाज आती है, सभी देवगणों को इशारा करते हैं। सभी देवगण अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। सभी सौधर्मेंद्र अपने इंद्र सभा को देखता है, बड़ा प्रसन्न होता है। किसने जिनवर की भक्ति कर कि तभी जैसे हे मेरे धर्म निश्वासी चारों गति राजनियों में अनाधिकाल से भ्रमण करने वाले प्राणियों का सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इसमें अपने यथार्थ प्राप्त नहीं किया है, जिनके बिना संसार का अंत नहीं है। क्या बात है, सभा को संबोधित किया कि धर्मनिष्ठ सभासद चार गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाले प्राणी ने अभी तक सुख और दुख की भूल में अपने यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जिस ज्ञान को प्राप्त करे बिना संसार से उद्धार असंभव है, ऐसा संबोधित करते हैं कि तभी स्वर्ग की सबसे सुंदर नृत्यांगना सुधर्म सभा में अपना नृत्य प्रस्तुत करने आती है। Oh, man.
परिपूर्ण करने वाले इस प्राणियों का मुख्य कर्तव्य क्या है जिसे करने से जीवन सफल बनाया जा सके, कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन करें। हे देव, इस अपार संसार में क्या कहते हैं इंद्र कि इस भव में दुर्लभ सम्य किधर झुककर कल्याण में सुनो, इस अपार संसार में सुख और दुख की भूल में पूर्ण करने वाले इस प्राणी का आज तक संबंध से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बिना संसार में उद्धार संभव नहीं है। क्या बात है, और अपने जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने पर पदार्थों में अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप पूर्ण आत्मा सुद्धा पूर्ण अनिवार्य है। हे देवी, और कितना अच्छा प्रश्न हमारे इन्होंने किया है देव ने कि जिस समय दर्शन को आपने महान कहा है उस समय दर्शन को प्राप्त कैसे किया जाए, और क्या कहते हैं? हे देवी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सुख दुख को छोड़ते हुए सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा का ध्यान करना चाहिए। Now and press the bell icon. Never miss an update.